press the bell icon on the YouTube app and never. हम सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं और भारत में एक अहम भूमिका और कर्तव्यों का पालन उन्होंने पिछले 10 साल में किया है. इस भारतवासियों ने इमरजेंसी का वक्त भी देखा, ऐसे अंधकार का वक्त इमरजेंसी में देखा गया जब प्रेस मीडिया से लेकर के विपक्षी दलों से लेकर के कानून से लेकर के संविधान तक को तोड़ मड़ोड़ करके इंदिरा गांधी जी ने रख दिया था. फिर एक वक्त आया मोदी जी का और उस वक्त में संवैधानिक तरीके से और संविधान को सरमथे लगा करके इस देश को चलाने की, इस देश को बढ़ाने की, इस देश के अचीवमेंट की, इस देश की सक्सेस की बात कही भी गई और करी भी गई, दोनों किया गया. एंड एज पर माय ओपिनियन फखर भाई कि जब तक जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते हैं इंसान निखर करके बाहर नहीं आता है. और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में जो मजा होता था और अपना नाम फर्स्ट बेंच पर रखने में जो मजा होता था वो मजा, मतलब ठीक है हम पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है, उसमें वो मजा नहीं आता है, है ना. तो अभी जो आपने कहा कि इंटरनेशनल तरीके से सभी को जय हिंद. दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जिसमें वो बात करेंगी प्रधानमंत्री मोदी की और पाकिस्तान की. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा. तो इसे अब तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. बहुत शुक्रिया नाज़िया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग. अच्छा नाज़िया एक बात बताइएगा कि मोदी साहब थर्ड टर्म के लिए आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, ओवर टेकिंग हो गई, अब दोबारा से उन्होंने अपनी जो जर्नी थी जो रुकी तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन चले वो एक महीने का जो इलेक्शन का प्रोसेस था तो चले आप कह सकते हैं कि चले एक छोटा सा ब्रेक कह दें, उन्होंने अपना सफर दोबारा से शुरू कर लिया. क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस है? एक तो इंटरनेशनली ये रिपोर्ट्स के ऊपर मैंने आपसे डिटेल में बात करनी है बट इसके अलावा भी कोई है इंटरनल या एक्सटर्नल, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के जो गांधी साहब हैं राहुल गांधी साहब उन्होंने बड़ा एक अच्छा गेस्चर हमें नजर आया और बड़ी बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज किए और पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया कि यार पाकिस्तानियों को भी इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है आपके डिसएग्रीमेंट होता है, आप जरूरी नहीं है बीजेपी एक अलग पार्टी है कांग्रेस एक अलग पार्टी है, बट वो कहते हैं कि इंडिया के लिए हमने एक होना है, जहां पे जरूरत होगी नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन कुछ चैलेंजेस क्या आपको बड़े बड़े ऐसे नजर आ रहे हैं मोदी साहब के लिए इन थर्ड टर्म? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल लीडर होता है और हम सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल लीडर है और भारत में एक अहम भूमिका और कर्तव्यों का पालन उन्होंने पिछले 10 साल में किया है. इस भारतवासियों ने इमरजेंसी का वक्त भी देखा, ऐसे अंधकार का वक्त इमरजेंसी में देखा गया जब प्रेस मीडिया से लेकर के विपक्षी दलों से लेकर के कानून से लेकर के संविधान तक को तोड़ मड़ोड़ करके इंदिरा गांधी जी ने रख दिया था. फिर एक वक्त आया मोदी जी का और उस वक्त में संवैधानिक तरीके से और संविधान को सरमथे लगा करके इस देश को चलाने की, इस देश को बढ़ाने की, इस देश के अचीवमेंट की, इस देश की सक्सेस की बात कही भी गई और करी भी गई, दोनों किया गया. एंड एज पर माई ओपिनियन फखर भाई कि जब तक जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते हैं इंसान निखर करके बाहर नहीं आता है. और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में जो मजा होता था और अपना नाम फर्स्ट बेंच पर रखने में जो मजा होता था वो मजा, मतलब ठीक है हम पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है, उसमें वो मजा नहीं आता है, है ना. तो अभी जो आपने कहा कि इंटरनेशनल तरीके से भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े ऑथर ने कहा है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल या टेररिज्म हरकतें नहीं होनी चाहिए जिसको कतई किसी भी तरीके से भारत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. और मोदी जी की सरकार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. अब देखिए मैं एक रेफरेंस आपको देती हूँ. मान लीजिए 4-5 पाकिस्तान के मुसलमान चले जाते हैं अमेरिका
या डच चले जाते हैं या इटली चले जाते हैं या फ्रांस चले जाते हैं या यूएई अरब चले जाते हैं जी। तो जो क्रिश्चियंस के जो देश है वहां पर वो कहीं पर काम करने लगेंगे वो सबसे पहले कहेंगे हमको नमाज पढ़ने की छुट्टी दीजिए, फिर कहेंगे कि हमको नमाज पढ़ने की जगह दीजिए, फिर कहेंगे हमको वजू करने की जगह दीजिए, फिर कहेंगे कि मेरी बच्चियां जो है वो हिजाब पहन करके फ्रांस के या डच के या इटली के या अमेरिका के स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाएगी, फिर कहेंगे कि मेरी बच्चियों को उस एडुकेशनल इंस्टीट्यूट पर दीनी तालीमात भी दे दीजिए, दिनियात भी पढ़ा दीजिए, कलमा तैयब भी पढ़ा दीजिए, और फिर वो स्टार्ट करेंगे दावत इस्लाम। फिर वो कहेंगे बेटा तुम भी क्यों नहीं हिजाब पहन लेती हो, तुम भी, तुम्हारे ऊपर भी हिजाब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं दैट्स नॉट गुड, वो ठीक नहीं है। अब हम मैंने आपने कई बार बात किया है कि रोड पर नमाज कौन पढ़ता है भैया, रोड तो नापाक होता है, रोड तो गलीज होता है, उसकी साफ सफाई भी होती है पर वो फिनाइल से धुलाई तो नहीं होती है जो वो पाक हो जाए, है कि नहीं। अब मुसल्ले पे हम कचरा फेंके, हम थूक फेंके, हम बॉटल फेंके, हम पॉलिथिन फेंके और वो उसी मुसल्ले पे हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते नहीं। तो यही चीज हम मुसलमानों को समझाते और सिखाने की कोशिश करते हैं कि रोड भी वैसा ही नापाक होता है, आप उस पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिद है हमारे भारत में, आप उस पर जाकर के नमाज पढ़िए। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा, हालांकि पर्सनली मैं जो बाइडेन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस, उनके वे ऑफ टॉकिंग, उनके जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं होती है, गोल गोल जलेबी बनाने वाला नहीं होता है कि हम इधर भी लेके चलेंगे इधर भी लेके चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक मी, वो एकदम स्ट्रेट, वो अच्छा है हाँ अच्छा है, वो बुरा है हाँ वो बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो मुझे इस टाइप की पर्सनैलिटी फकर भाई बहुत पसंद आती है। उन्होंने कहा अगर उनकी सरकार बनती है डोनाल्ड ट्रंप की इस बार, तो वो इंडियंस को वीजा फ्री करेंगे, ग्रीन कार्ड देंगे और बहुत सारे इंडियंस को एडुकेशनल सिस्टम में उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस देंगे। okay. अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मिलोनी साहिबा हुई, उसके बाद फिर डच हुआ, उसके बाद फिर ऋषि सोनक जी हुए, उसके बाद फिर यूएई हुआ, उसके बाद फिर खतर हुआ, मतलब सब कोई, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ग्रीस हुआ, हर कोई कहीं ना कहीं उन मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से परेशान है जो वहां पर आकर के क्रिमिनल टेररिज्म और वल्गर एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। मैं मानती हूं कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है फकर भाई, कोई नहीं रोक सकता है, किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन उस नमाज का एक तरीका होता है, उस नमाज की एक बैरिकेड्स होते हैं जिसको मानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कल की बात है, हमारे वेस्ट बंगाल में, मैं अभी वेस्ट बंगाल में बैठी हुई हूँ, मेरी वेस्ट बंगाल में 2 कपल्स आपस में लव मैरिज किए हैं, उसको रोड पर एक मुसलमान टीएमसी का नेता है हमीदुल रहमान, उसने अपने लड़के से जेसीबी से भर पेट उनकी रोड पर नंगा करके औरत की पिटाई करवा दी, और बाद में वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि भाई शरिया है तो शरिया तो मानना पड़ेगा। भाई ये कौन सा शरिया है कि आप औरत को सरे बाजार नंगा करके, न्यूड करके, आप उसको पीट पीट करके, लुटा लुटा कर मारो, ऐसे शरिया को घर में रखा जाए। सो आई थिंक चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फकर भाई इस तरीके से भी हैं कि कहीं एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री पीओके को भारत में अखंड भारत बनाना चाहती है पीओके लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हो गई जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, असदुद्दीन अवैसी हो गए, और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी के जहाँ वायनाड में जैसे वहाँ वो है, उसके बाद फिर साउथ में बहुत सारे केरला वगैरह में उनकी उनकी सरकार बनी हुई है, तो ये लोग शरिया लॉ इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। चैलेंजेस हैं मोदी जी पर, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। मोदी जी को ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन अपनी शब्दावली में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने वर्क प्रोसेस में करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हर बार एकदम नेहरू जी के से जो चला आ रहा है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वो राहुल जी लेकर के चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी जी की पूरे भारत देश में 99 सीटें आई और इंडी अलायंस की एक ऐसी सीट आई जिसमें एक संवैधानिक रोल राहुल गांधी जी को LOP का मिला, लीडर ऑफ अपोजिशन का मिला है, तो अंदर पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा ना करके उनको उस देश उस जनता के हिसाब से
और उनके समर्थन में बात करनी चाहिए जिसने राहुल गांधी जी पर विश्वास करके उनको भारत में 99 सीटें दी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और खासकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, और जैसे कि नाज़िया अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया ही परेशान है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।